बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज चैनल पर। नमस्कार, मैं क्षितिजा, BCN न्यूज के भविष्य दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आचार्य श्रद्धानंद मोहन जी इनसे ज्योतिष शास्त्र और राशि भविष्य से जुड़ी जानकारी जानते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम आपसे जानेंगे कि राशि भविष्य जो है उससे जुड़े कई सवाल भी है हमारे दर्शकों के, उससे भी हम रूबरू होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। देखिए, जैसे हमने पहले ही अनुरोध किया था कि जिन जिन लोगों को अपना पत्रिके के बारे में जानना है, कुंडली भविष्य के बारे में जानना है, वो अपने जन्म तारीख, जन्म भेद और जन्म गांव जरूर भेजें। और जिन जिन दर्शकों का हमको प्रश्न आया है, ऐसे प्रश्न बहुत हैं लेकिन एक एपिसोड में इसको कवर अप करना बहुत मुश्किल रहेगा, तो आज हम जो पहले आए थे उनका ले लेते हैं, फिर अगले एपिसोड में अगले दर्शकों का लेंगे। और आज एक विशेष चर्चा करने वाले हैं हम ज्योतिष पे कि किन राशि वालों को कौन से रत्न अच्छे होते हैं, किन रत्नों को अवॉइड करना है। देखिए, सबसे पहले आता है नंबर वन राशि जो होता है मेष राशि। देखिए, मेष राशि है अपना मंगल का, इनका स्वभाव तेज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत अच्छा है होता है, थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन इनका अगर बराबर का इनको मार्गदर्शन मिला गया और ग्रहों का संरचना इनके पत्रिका में अच्छा रहा, अच्छे अच्छे लीडर, अच्छे अच्छे वक्तव्य करने वाले लोग, बड़े CEOs बनते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस भी बनते हैं मेष राशि वाले। देखिए, मेष राशि वालों को मूंगा देखकर पहनना चाहिए, मूंगा इनके लिए अच्छा है रतन, लेकिन देखकर पहनना चाहिए, क्योंकि मूंगा आकर अपना मेष राशि वालों के लिए राशि का रतन भी बनता है लेकिन अष्टमाधिपति होता है। और अगर मेष राशि होकर उनका मंगल अगर कर्क राशि में रहा तो मेष राशि वालों ने मूंगा नहीं पहनना चाहिए। ऐसा मेष राशि वालों के लिए मूंगा, मोती और पुखराज बहुत अच्छा रतन होता है। तो ये जो दर्शकों, ये जो एक विशेष आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, ये जो हमारा आज का कार्यक्रम है ये राशिगत रतन पहनने का एक कार्यक्रम है। इसमें हो सकता है कि किसी का मेष लगन हो और वृश्चिक राशि हो, यह हो सकता है उसका कर्क लगन हो, मेष राशि हो, तो उनके अलग अलग लगन, अलग अलग राशि वालों को रतन अलग होते हैं, लेकिन ये राशिगत हम आज बता रहे हैं। तो आज का ये जो एपिसोड है सिर्फ राशिगत रत्नों को, किन किन लोगों ने किन किन राशि वाले कौन से रत्न पहनना चाहिए इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे मेष राशि वाले के में जाना हमने कि मूंगा अच्छा है उनके लिए, बशर्ते मंगल आकर उनका कर्क राशि में न हो, पत्रिका देख लें, बाकी एक मोती पहन सकते हैं और पुखराज पहन सकते हैं। अगला राशि है अपना वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि आकर अपना शुक्र का राशि है और इसमें उच्च का ग्रह चंद्रमा है, जिसके वजह से इनका जो इमेजिनेशन पावर बहुत जोरदार रहता है और थोड़े से आलसी होते हैं, लेकिन जब काम करने पे आते इनके जितने कर्मठ और इनके जितने मेहनती कोई नहीं हो सकता, उतना मेहनती होते हैं और बहुत टैलेंटेड होते हैं। इनका एक थोड़ा सा विलासता ये जीवन में अगर छोड़ दे तो बहुत आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि वाले। इनके लिए अच्छा रतन होगा ओपल नाम का रतन है, ओपल पहन सकते हैं और पन्ना पहन सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ इनके पत्रिका में अगर नीलम का यानी शनि का पोजीशन बहुत अच्छा है, नीलम का यानी शनि का स्थान बहुत अच्छा है, तो नीलम नाम का रतन पहन सकते हैं। नीलम इनके लिए बहुत शुभदायी रहेगा, फलदायी रहेगा, बशर्ते इनके लगन के लिए जो शनि है वो योगकारक होना या अच्छा ग्रह होना, तो इनका नीलम पहनने से अच्छा रहेगा। लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो नीलम काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं पहनने, यानी सोचते हैं भाई नीलम पहने नहीं पहने, क्योंकि शनिदेव का प्रताप तो सबको मालूम है, अगर वो नीलम सेट होता है तो बहुत अच्छा रहता, नहीं होता तो बहुत दिक्कत जाता है, बहुत इसमें मतलब। हाँ जी, हाँ जी, है बहुत बिल्कुल तेज होता ना, उग्र है, और शनिदेव तो आपको मालूम ही है, यानी नीलम जिसको सेट हो गया तो उसके टॉप पे लेके जाता है, नीलम जिसको सेट नहीं हुआ उसको जमीन पे पटकता है, कुछ ना कुछ होना ही है। तो मेरा एक बोलना ही है, नीलम अगर पत्रिका एक अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर पहन सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी कुल मिला के देखा जाए वृषभ राशि वाले ओपल और पन्ना आग बंद करके पहन सकते हैं। देखिए, अगला है अपना मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बुध अपना स्वामी ग्रह होता है,
कई लोग का मानना है कि मिथुन राशि में राहु का स्वस्थ क्षेत्र है करके, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए बुध अपना स्वामी ग्रह होने के नाते पन्ना अवश्य पहना जा सकता है। मूंगा अवॉइड करें ये लोग, मिथुन राशि वाले पन्ना पहन सकते हैं और ओपल पहन सकते हैं, ये दोनों खड़े इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं मिथुन राशि वाले के। देखिए अगले अपने ये सप्ताह में कैसा अपने को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी हैं, जैसे हमारे दर्शकों के बहुत प्रश्न हैं, अभी एक बीच में हम थोड़े प्रश्न भी लेंगे ताकि हमारे जो आतुर हो के हमारे दर्शक जो इंतजार कर रहे हैं हमारे उत्तरों का, तो उसका हम उत्तर देते हैं उनके कुंडलियों के प्रश्नों का। हाँ जी बिल्कुल, कार्यक्रम में आगे कई दर्शकों द्वारा अपनी कई समस्याओं का हल पूछने हेतु सवाल आचार्य जी से किए गए हैं। चलिए आचार्य जी जानते हैं उनके आचार्य जी से हम जानते हैं उनके समस्या का हल। आचार्य जी पहला सवाल जो है हमें यवतमाल नायगांव से है, इनका नाम है दीपक विश्वनाथ मंडाले, इनकी जन्म तारीख 3/5/1974 है और इनका जन्म का समय यहाँ नहीं दिया गया है और इनका सवाल यह है कि मैं प्लंबिंग का काम करता हूँ और अभी काम ठीक नहीं चल रहा है, तो आगे स्थिति कैसे रहेगी। बिल्कुल 3/5/1974 में, हाँ अगर जन्म समय दें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, हम उनके राशिगत बिल्कुल भविष्य बता देंगे कैसा है। बिल्कुल इनका समय कि प्लंबिंग का काम कर रहे हैं, इनका समस्या है हाँ। कि काम का सही नहीं चल रहा है ना। हाँ। देखिए दीपक जी को अभी फिलहाल के लिए टाइम अभी यहाँ से अच्छा रहेगा, पिछले 2-3 सालों से इन्होंने बहुत संघर्ष, 2-3 साल बोले और ज़्यादा भी बोल सकते हैं कि 4-5 सालों से इन्होंने बहुत संघर्ष देखा है, काम में पैसे हाथ में टिकते नहीं थे, घर में समस्या था, लेकिन अभी ये सब दूर होते दिखाई देगा। दीपक जी ने क्या करना है, कोई भी भगवान विष्णु के मंदिर में 5 बुधवार 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम कपूर, जितना यथाशक्ति है मिनिमम 50 ग्राम अपना कपूर जो होता है जो भगवान को जलाते हैं, वो कपूर भगवान को मंदिर में भगवान राम के कृष्ण के मंदिर में 5 बुधवार इन्होंने देना चाहिए, इससे इनका जो कामकाज है तकलीफ है वो दूर होगा। साथ में शनिवार के दिन काले उड़द 1/4 किलो, काले गुड़ 1/4 किलो एक बार हनुमान जी के मंदिर में जरूर चढ़ाए, इससे इनके काम का संबंधित जो कष्ट है परेशानी वो दूर अवश्य होगा और इनके जीवन में प्रगति और उन्नति दिखाई देगा। कुल मिला के ये साल इनके लिए अगर ये करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, इनके लिए नया आयाम नया इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा जीवन में। हाँ जी बिल्कुल, अगला सवाल जो है पायल श्रावण रहांगडाले, इनका है तुमसर भंडारा से, इनका जन्म तारीख जो दी गई है 11/4/2001 और इनका जन्म का समय जो है रात के 1:30 बजे का है और इनका सवाल यह है कि मैं कंप्यूटर की स्टडी कर रही हूँ, उसमें अनेक फील्ड है लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ करियर को लेकर और मुझे नौकरी लगने का योग कब तक बना है। हाँ जी जन्म स्थान बताया इन्होंने, हाँ जन्म स्थान है इनका तुमसर भंडारा, तुमसर हाँ। हाँ जी प्रश्न क्या था इनका, इनका है कि ये कंप्यूटर की स्टडी कर रही है, इसमें कई फील्ड है लेकिन मतलब मैं आगे क्या करूँ इसको लेकर मैं कंफ्यूज हूँ और मुझे कब तक नौकरी मिलेगी। देखिए कंप्यूटर के अंदर अगर आईटी क्षेत्र में इन्होंने एनालिसिस जो होता है, क्रिटिक्स जो गलतियां ढूंढ के निकालते हैं या फिर उसमें एनिमेशन जो फील्ड रहता है उसमें अगर जाते हैं तो इनको उन्नति ज्यादा रहेगा, अच्छा करेंगे। और अगर इनको कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था मिलता है जहाँ पे इन्होंने आईटी सीखा है लीगल चीज़ों में, यानी जैसे एडवोकेट का कोई सॉफ्टवेयर हो गया या सरकारी लीगल चीज़ें जो न्यायालय संबंधित कोर्ट संबंधित कोई सॉफ्टवेयर को चलाना ऐसा कुछ ऑपरेट करने का अगर इनको उसमें फील्ड मिल गया तो ये बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा इनको पद मिलेगा। हो सकता है कि इनको थोड़ा सा परेशानी अभी हो कामकाज के अंदर, बिकॉज कैसे इनको शनि का ढैया भी चालू हुआ है, इनका वृश्चिक राशि है, इनको शनि का ढैया भी चालू हुआ है तो उसके चलते परेशानी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो इनको क्या करना है, शनिवार के दिन हो सके तो मीठा बूंदी गरीब बच्चों में या हनुमान जी के मंदिर में दें और उससे भी बढ़कर गाय को इन्होंने अगर 1/4 किलो उड़द दाल भिगोकर शनिवार के दिन खिलाएं तो इनके लिए बहुत श्रेयस्कर रहेगा, उसमें ढैया से इनको थोड़ा सा राहत मिलते दिखाई देगा। और रही बात इनके प्रोफेशन के लिए, इनके प्रोफेशन के लिए हो सके तो इन्होंने 4-4.25 कैरेट तक का एक मूंगा एक रिंग फिंगर में पहन ले चांदी में बनवा के मंगलवार के दिन
तो इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, इनको वो सारे चीज लाभ होंगे जो इन्होंने सोच के रखा है। अगर समझो इनको और भी थोड़ा कुछ इकोनॉमिकली इनको अच्छा लगता है पहनना, इनको और थोड़ा इकोनॉमिकली व्यवस्था कर सकते हैं, पैसा खर्चा कर सकते हैं, तो साथ में पुखराज पहनेंगे तो इनके लिए व्यवस्था, काम के और कामकाज की व्यवस्था के लिए, जीवन के लिए और आवक के लिए, इनकम के लिए बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। बिल्कुल। अगला सवाल जो है नागपुर से श्रेयांशी लोकेश ढेकने का है। इनकी जन्म तारीख जो है 28/8/2021 है और सुबह 4 बजे का इनका जन्म है। इनका सवाल यह है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ क्या इनका? इनका डेट ऑफ बर्थ है 28/8/2021। 2021 भविष्य कैसा रहेगा, अभी ऐसा सवाल है। एक ही साल के है। अच्छा। हाँ, छोटे समय वगैरह दिया? हाँ, क्या दिया? समय दिया है सुबह 4 बजे। सवेरे 4। जन्म का? नागपुर। देखिए इनका जन्म तारीख 28/8/2021 सवेरे 4 बजे नागपुर है ना। हाँ। अभी ये अपने बच्चे के बारे में क्या पूछना, अभी है तो बच्चा छोटा अपना, तो क्या पूछना था बच्चे के बारे में? भविष्य के बारे में पूछ रहे, आगे भविष्य। अच्छा, नहीं एक शॉर्ट में बताऊंगा मैं। देखिए ये बच्चे को कैसा स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी नहीं रहेगा, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बोलने करने में बच्चा तेज रहेगा, और थोड़ा सा इनको पेट संबंधित, सर्दी संबंधित परेशानी रहेगा और शादी वगैरह अच्छे जगह पे होगा। भाग्य में लेके थोड़ा सा अड़चन है, अभी तो बच्ची बहुत छोटी है, लेकिन एक मैं बोलना चाहूँगा, देखो बच्चा जब भी पैदा होता ना माता पिता को इन्फ्लुएंस करता, या माता के स्वास्थ्य को, पिता के स्वास्थ्य को, ये जो बच्चा जन्मा है ये बच्चा थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा रिग्रेसिव, यानी उतना फलदायी नहीं है। तो माता ने खास करके ये बच्चे के जन्म के बाद अपने तबीयत पर बहुत ध्यान देना है, पिता ने अपने काम काज के ऊपर बहुत ध्यान देना है। और इसमें कैसा, ये बच्चे का नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दूसरा चरण है, तो भरणी नक्षत्र वैसे ही काफ़ी भारी है, हेवी नक्षत्र रहता है, माता पिता को थोड़ा सा कष्ट होना लाजमी है। लेकिन पत्रिका के अंदर भी योग होने से माता पिता के लिए, माता पिता ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, खास करके माता ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, पिता ने अपने काम काज पर ध्यान देना चाहिए, ये है। बाकी कुल मिला के बच्चे के काम काज के लिए हो गया, इम्प्रूवमेंट के लिए हो गया, अच्छा है, अच्छा जिंदगी जिएगा बच्चा। अगला सवाल जो है नागपुर से ही है, ईशान प्रवीण शरणागत इनका। इनकी जन्म तारीख जो है 12/3/2008 है और इनका जन्म का समय जो है 2:52 दोपहर का है। इनका यह सवाल है कि मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे जानना है कि मेरे आगे की पढ़ाई और नौकरी में क्या समस्या नहीं आएगी। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ समस्या होंगी या समस्या आएगी या नहीं, इस बारे में। इनका समय क्या है? 2:52 दोपहर का, जन्म स्थान इनका नागपुर है। उसका 52 दोपहर का नागपुर है ना। हाँ जी, 12/3/2008 है ना? छात्र है ये और अपने पढ़ाई, आगे की पढ़ाई और नौकरी के बारे में। बच्चों को वही रहता है कि पढ़ाई करने वाले बच्चों को अपने पढ़ाई के बारे में चिंता रहता है, बिकॉज जो जिसका अच्छा पढ़ा उसका फ्यूचर अच्छा रहता है। हाँ जी, इनका वही सवाल है कि समस्या आएगी या नहीं, मतलब देखिए किस तरह से आगे। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा इनके बारे में, देखो इनका मन बहुत चंचल रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता इनके, फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, लेकिन पढ़ाई जिस प्रकार से वो मेहनत करते उस प्रकार से फल नहीं मिलता। बाकी एक मैं बोलना, आप देखो दिल छोटा मत करो, लेकिन एक बात बोलूँगा कि आपको पढ़ाई में थोड़ा सा आलस ज़्यादा करते हैं आप, और यश नहीं है आपको, कितना मेहनत करते भी यश नहीं होता आपको, उसमें दिल लगा के पढ़ना चाहिए आपने। और क्या होता है देखो, अगर आपको समझो आप पाँचवीं कक्षा पढ़ रहे हैं, आपको दूसरी कक्षा का अगर गणित नहीं आता है तो पाँचवीं कक्षा का गणित सीख ही नहीं सकते आप, तो आपको पहले दूसरी कक्षा का गणित ही सीखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कैसे इनके पत्रिका में थोड़ा सा पढ़ाई को लेके बहुत अच्छा योग नहीं है, जिसके वजह से इनको पढ़ाई में अड़चन रहेगा, मन नहीं लगेगा, पढ़ाई किताब तो लेके बैठेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ और ही उनके दिमाग में चलता रहता है, मन बहुत चंचल है। इसके लिए इन्होंने, इनके माता पिता ने क्या करना चाहिए, इनको एक मोती पिनाना चाहिए और एक ओपल नाम का पत्थर आता है वो उनको पिनाना चाहिए, अच्छे कंसल्ट करके किसी ज्योतिषी को, तो इससे बच्चे को जो परेशानी है काम पढ़ाई के अंदर वगैरह उससे बहुत राहत मिलेगा। और एक बच्चे ने, इस बच्चे ने पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तीखट मसाले कम खाना चाहिए, नहीं तो बच्चे को पेट संबंधी प्रॉब्लम होना अनिवार्य होके रहेगा,
तो इससे भी इस बच्चे का तबियत, जैसा बच्चों का हेल्थ अच्छा नहीं रहता है तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो इनके पत्रिका में दो तीन दोष है, इसके लिए इन्होंने, मैंने बोला हुआ मोती पीना है इनको, अच्छा रहेगा, मन एकाग्रत होगा। ओपल पीना है जिसके वजह से इनके इनके माता के साथ भी थोड़ा सा अनबन रहता है, माँ की बातें नहीं सुनते, माँ को परेशान करने का योग है थोड़ा बच्चे को, वो भी सुधरेगा। और उसके ऊपर हो सके तो क्या करना है इन्होंने, ऐसा बच्चे का कृतिका नक्षत्र है तो सूरज को रोज जल चढ़ाने से भी इनको यश कीर्ति मिलेगा पढ़ाई के अंदर। हाँ जी बिल्कुल। अगला सवाल जो है कामथी बालाघाट से है। हाँ जी। वेदांशी रवि देशमुख इनका, इनका जन्म स्थान कामथी बालाघाट है और जन्म तारीख जो दी गई है 5/10/2022 रात का 9:38 का इनका जन्म है। और इनका सवाल यह है कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। मुझे लगता है ये भी छोटे से मतलब बच्चे है, कोई बात जिन्होंने देखो बच्चे छोटे लेकिन उनके माता पिता का इंक्वायरी है ना, अभी उत्सुकता सबको रहता है, सबको रहती है कि आगे का भविष्य कैसा नहीं। हालांकि कैसा है, बच्चे जब एक हाथ दो साल के रहते हैं ना तभी अच्छे एक ज्योतिर्विद को पत्रिका दिखा के बच्चे के बारे में प्लान करना चाहिए माता पिता ने, कि ये बच्चे का स्वभाव कैसा है, इस बच्चे को किस बात से गुस्सा आता है, इस बच्चे को तबियत कैसा कैसा अच्छा रखना है, क्या इसके लिए अच्छा है खाने के लिए, क्या गलत है, कौन सा लाइन अच्छा है, दोस्तों से इसको फायदा है नुकसान है, माता पिता के इसके संबंध कैसे है, भाई बहनों के साथ संबंध कैसे, ये सारे चीज़ें जानकारी रखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि छोटे बच्चों का भी दर्शक पूछ रहे हैं हमारे पास। देखिए इनका है 9:38 सवेरे का या रात का और जन्म स्थान है कामठी है ना, कामठी बालाघाट। अच्छा इस बच्चे के बारे में इनका मेन प्रश्न क्या है, बहुत सारे भविष्य भविष्य कैसा रहेगा यही इनका सवाल है। देखिए ये बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा बच्चा कैसा अड़ियल है, जिद्दी है लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, प्रखर बुद्धि वाला है, बहुत तेज दिमाग रहेगा। पिता को लेके थोड़ा सा टेंशन रहेगा क्योंकि इस बच्चे के पत्रिका में पिता को थोड़ा सा टेंशन आने का योग है जन्म होने के बाद, उसके लिए शनि चंद्र का योग कारण है, विषयोग बनता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत बाद में आप कंसल्ट करके प्रश्न पूछेंगे तो मैं बता दूंगा आपका उत्तर। लेकिन इस बच्चे का अभी जो फिलहाल आपने जो प्रश्न पूछा है, इसका जो बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है, अच्छे जगह पे विवाह होगा, अच्छा कामकाज रहेगा, फॉरेन टूर जाने का भी योग है, दोस्तों से बहुत अच्छा इनको आवक भी रहेगा और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों के साथ, और इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छा, यानी कि नेतृत्व करने का बहुत इनके दिमाग है, और इसके ऊपर इनको अच्छा चार्टर्ड अकाउंट बनने का योग है, अच्छा एडवोकेट बनने का योग है, और अगर इनके कंपनी सेक्रेटरिएट का संबंधित पढ़ाई करते हैं आगे चल के, बच्चा अभी तो बहुत छोटा है लेकिन इस लाइन में अगर बच्चे को पढ़ाई कराते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बच्चे का खास करके विद्याभ्यास बहुत अच्छा रहेगा, प्रखर बुद्धि वाला बच्चा है, इसको अगर बराबर गाइडेंस दिया जाए मैडम ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा जीवन में, एनर्जी वेल बहुत अच्छा है बच्चे का, ही इज गॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। बिल्कुल। अगला सवाल हमारा है प्रवीणा अतुल तायवाड़े, इनका नागपुर से है और इनकी जन्म तारीख जो है 2/2/1995 है और इनकी मतलब इनका जो सवाल ये है कि नौकरी में समस्या है तो हल क्या होगा, समय नहीं दिया गया है। 2 February 1995 है ना, हाँ जन्म समय नहीं दिया है ना। अच्छा क्या प्रश्न इनका, इनका है कि नौकरी में समस्या है। देखिए अभी कैसा है, इनका जन्म समय नहीं है, पत्रिका तो नहीं बना है, लेकिन राशिगत भविष्य में बताना चाहूंगा। राशिगत भविष्य में ऐसा है कि इनको कैसा है, जिधर एक काम करते हैं उधर मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स उतने नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये अपने जो मन की बातें हैं, अपने जो काम करते हैं ना वो सबको बताते हैं, ये अरे भाई मैंने ऐसा सोच के रखा है, मैंने ऐसे करना, ये अपना जो सीक्रेट से इनको लोगों को बता देते हैं, तो इनसे ही लोग आइडिया लेकर थोड़ा आगे बढ़ने का योग बनता है, ये पीछे रह जाते हैं। हालांकि और रही बात ज्योतिष शास्त्र का, देखिए इनके लिए क्या करना है, इन्होंने हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया लगाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए रोज, और शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना ही है, और भूल कर भी सर पर शनिवार के दिन सर पे तेल नहीं लगाए, नाखून नहीं काटे, बाल नहीं कटवाए, नहीं तो इनके कामकाज के अंदर कभी इनको यश कीर्ति बरकत नहीं मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल। अगला सवाल जो है चिल्लाती देवरी से है,
ईश राधेलाल कसरा इनका है, इनका जन्म इनकी जन्म तारीख जो है 5/6/1996 है। और इनका सवाल यह है कि मेरी अभी अभी विवाह हुआ है तो भविष्य में पारिवारिक और व्यवसाय जीवन कैसा रहेगा? समय नहीं दिया इनका? नहीं, समय नहीं दिया है। जन्म तारीख क्या? जन्म तारीख है 5/6/1996। अभी भी शादी हुई है। अच्छा। और पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन कैसा रहेगा? अच्छा। देखिए, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा बशर्ते दोनों में मतभेद कम से कम करें। यानी पति पत्नी अभी जब नया नया शादी हुआ है तो मतभेद के मौके बिल्कुल बना के नहीं दे, क्योंकि ये भी बहुत महत्वाकांक्षी है, इनकी पत्नी भी बहुत महत्वाकांक्षी है, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर कैसा ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करते हुए एक दूसरे को तालमेल करते हुए अच्छा अपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आके आगे चल के कैसा, अगर मंगलवार और शुक्रवार को इन्होंने दुर्गा माता के मंदिर में अगर जाकर मीठे प्रसाद यानी बताशे हो गए, मीठे रेवड़ी हो गए, अगर वो चढ़ाते हैं मंगलवार शुक्रवार को दोनों साथ बैठ के दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो इनके शादी में बहुत उन्नति रहेगा, अच्छा रहेगा। बशर्ते कैसा है, इन्होंने एक दूसरे को माफ़ी यानी फॉरगिव एंड फॉरगेट करते चलना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी एनर्जी का जो ड्यूअल ये है अपना लेन देन है दोनों का पति पत्नी में बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मंगल शुक्र का योग है तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसका एनर्जी का समन्वय बराबर होने के लिए मैंने जो बोला उसका उपाय करें तो ज़रूर उनको फायदा होगा। फिलहाल मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, देखो इन्होंने सिर्फ अपना डेट दिया, अगर टाइम भी देते हैं अपने को बहुत उससे फ़ायदा रहेगा, अच्छा रहेगा अपने लिए। अभी हमने कार्यक्रम में कई सवाल मतलब कई लोगों की जो हमारे दर्शक हैं उनकी समस्याओं का हल जाना। अब बढ़ते हैं हमारे कुछ राशियां जो रह गई थी उनके तरफ। और आचार्य जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि राशियों के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए अभी तक हमने मिथुन राशि तक का लिया था, अभी आगे देखते हैं कर्क। देखो कर्क राशि आकर चंद्र प्रधान राशि है, इसमें उच्च का ग्रह गुरु है, नीच का ग्रह मंगल है। देखिए इसमें कर्क राशि वालों के लिए मोती बहुत लाभकारी हैं और मुखराज बहुत अच्छा है इनके लिए। मूंगा पहन सकते हैं बशर्ते मंगल का स्थिति बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इनको बहुत फायदा करता है कर्क राशि वालों के लिए। कुल मिला के कैसा, कर्क राशि वाले अगर माता पार्वती का पूजा करें, भगवती दुर्गा का पूजा करें, भगवान राम का पूजा करें, क्योंकि भगवान राम का भी कर्क राशि ही था, तो भगवान राम का पूजा करें तो उनको बहुत फायदा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए मोती मूंगा पुखराज अच्छे रत्न हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट है अपना देखो कर्क राशि के बाद आता है सिंह राशि। जैसे सिंह राशि है, देखो सिंह राशि का स्वामी है सूरज, तो सूरज को जल चढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूरज का रतन माणिक जो रहता है वो 4.5 कैरेट तक का पहन सकते हैं, और इनके लिए सिंह राशि वालों के लिए मूंगा बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा कैसा, नीलम वगैरह पहनने से थोड़ा परहेज करना चाहिए, बशर्ते पत्रिका में समझो लगन से हम मुहूर्त निकालते कुंडली में उसमें नीलम पहनना बहुत अनिवार्य है तो ही पहनना चाहिए, नहीं तो अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो इनको परिणाम विपरीत मिल सकते हैं। ठीक है, और सिंह राशि वाले मोती भी सोच समझ के पहनना चाहिए, बाकी माणिक मूंगा और पुखराज वगैरह कभी भी पहन सकते हैं सिंह राशि वाले। अगला है अपना देखो कन्या राशि। कन्या राशि के अंदर कैसा है, बुध उसका स्वामी है लेकिन उच्च का ग्रह भी बुध है, तो कन्या राशि वालों के लिए पन्ना कभी भी पहना जा सकता है, ओपल पहन सकते हैं, नीलम देख सोच समझ के पहनना अच्छा रहेगा, पुखराज भी अगर बहुत अनिवार्य है पहनना तो ही पहनना चाहिए। तो कन्या राशि वाले राशि से देखा जाए तो मूंगा नाम का जो जेम है या पत्थर है उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए कैसा, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजा हो गया, भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ाना हो गया, भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र चढ़ाना, भगवान कृष्ण का पूजा करना श्रेयस्कर बहुत अच्छा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। अगला है अपना तुला राशि। देखिए तुला राशि आकर कैसा है, शुक्र का राशि है, इसमें उच्च के स्वामी हैं शनिदेव, स्वयं तुला राशि में उच्च के बैठे हैं, नीच का ग्रह है सूरज, जो तुला राशि वाले नीलम को पहन सकते हैं, ओपल नाम का पत्थर है वो पहन सकते हैं, पन्ना नाम का पत्थर है वो पहन सकते हैं, लेकिन जो अपना माणिक रहता है माणिक को अवॉइड करें, वो तभी पहने जब कोई एक्सपर्ट ज्योतिषी आपको बोले भाई आपने माणिक पहनना चाहिए आपके लिए अच्छा है तभी पहने, नहीं तो माणिक को अवॉइड करें। बाकी नीलम पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं और पन्ना भी पहन सकते हैं, इनके लिए अच्छा। देखिए तुला राशि वालों के लिए जैसा शनिदेव उच्च के बैठे उनके पत्रिका में, उनके लिए शनिदेव के मंदिर जाना, शनिदेव का पूजा करना हर शनिवार को बहुत अच्छा रहेगा।
जैसे तुला यानी कैसा, तुला यानी अपना तराजू, वो बैलेंस, तो ये हर चीजों में बैलेंस मेंटेन करते, अच्छी बात है। लेकिन इनके पत्रिका में कैसा, सूरज थोड़ा सा नीच का रहता है पत्रिका, सूरज नीच का होने से इनका कॉन्फिडेंस में कमी रहता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है इनका। तो इसके लिए सूरज को जल चढ़ाना है, माता पिता का सेवा करना है। अगर बाहर निकलने के पहले तुला राशि वाले अपने पिता के चरण छू के निकले तो इनका काम सब अच्छा होगा। हाँ जी, अगला है अपना वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि देखो मंगल का राशि है, इसमें उच्च का ग्रह ऐसा छाया ग्रह जिसको बोलते हैं केतु, लेकिन नीच का ग्रह है चंद्रमा। तो कर्क राशि वालों ने अपने पत्रिका को देखते हुए मूंगा पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, बशर्ते चंद्र का पोजीशन अच्छा हो पत्रिका में, और माणिक पहन सकते हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नीलम बहुत अवॉइड करें, और ओपल नाम का पत्थर जो है भूल कर भी नहीं पहने वृश्चिक राशि वाले, नहीं तो इनको हानि होगा। रही बात देखो वृश्चिक राशि में कैसा है, केतु उच्च का रहता है तो चंद्र नीच का रहता है, तो वृश्चिक राशि वाले क्या करना है, अपने पेट पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो चंद्र है, चंद्र का जो गोचर है वृश्चिक राशि के पेट पे होने से क्या होता है, उधर नीच का होने से इनका डाइजेशन बहुत कम रहता है या फिर एसिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन्होंने वृश्चिक राशि वालों ने चंद्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है वृश्चिक राशि वालों ने, और उसके ऊपर कैसा फिनेंसिस अच्छा होने के लिए इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे रहते हैं वृश्चिक राशि को, इसको बेहतर करने के लिए और भी इन्होंने पुखराज पहनेंगे तो अच्छा है। पन्ना बिल्कुल अवॉइड करें वृश्चिक राशि वाले, उनको उतना फेवरेबल नहीं रहता है। अपने गुस्से पे नियंत्रण रखें और शंकर पार भगवान शंकर पार्वती का पूजा करें, और अगर इनको अगर अच्छा और फल मिलना है तो हनुमान जी इनके लिए सबसे अच्छे भगवान हैं, तुरंत इनको आशीर्वाद देते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। अच्छा बढ़ते हैं, कई सवाल जो है हमारे दर्शकों के वो रुके हुए उसकी ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, ये सवाल जो है पिन के पार गोंदिया से है, प्रवीण लीलाराम शरणागत इनका है, इनका जन्म की टाइमिंग तो यहाँ नहीं दिया गया है, इनकी जन्म तारीख जो है 14/9/1977 है, और इनका सवाल यह है कि काम ठीक से नहीं चल रहा है, आगे की स्थिति कैसी होगी। 14/9/1977 ना, हाँ जी, समय नहीं दिया ना, समय नहीं दिया है, जन्म गांव भी नहीं दिया, जन्म गांव दिए है पिन के पार गोंदिया। अच्छा, हाँ, काम इनका ठीक से नहीं चल रहा है, आगे इनकी स्थिति कैसी होगी। देखिए ये भाई साहब जिन्होंने प्रश्न पूछा उनका है कन्या राशि, लेकिन इनके इनका कैसा है, पत्रिका में सर्प दोष है जिसके वजह से इनके कामकाज नहीं बनता, पैसे समय पे पैसा नहीं आते, पेट ठीक नहीं रहता इनका, और मन कभी भी खिन्न रहता है, भाई से आक्रांत रहते हैं, कभी इनको टेंशन रहता है कि क्या करना क्या नहीं करना कैसे रहेगा, इससे टेंशन रहता है इनको। देखो काम जैसा इनका इन्होंने प्रश्न पूछा है उसके लिए कैसा, इन्होंने भगवान बालाजी का पूजा करना है अगर संभव होता है, शनिवार के दिन और बुधवार के दिन भगवान बालाजी के मंदिर जाके दर्शन करना, उनको नमस्कार करना, और उनका दर्शन करने से इनको अच्छा रहेगा। और रही बात इनको रतन वगैरह पहनना है, तो इनके लिए राशिगत अगर देखा जाए तो इनके लिए पन्ना नाम का जो रतन है इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ओपल नाम का रतन है वो पहनेंगे तो उनके कामकाज में बरकत भी रहेगा, अच्छा भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम कैसा है, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी इनको बुरा लगता है, वो गुस्सा आ जाता है इनको, तो उसके चलते बहुत सारे इनके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी को खो बैठते हैं, तो इन्होंने कैसे धीरज रखना चाहिए थोड़ा, और अगर कोई नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव लोग मिलते हैं तो उसको थोड़ा अनदेखा करके आगे बढ़े, क्यों जो बोलने वाले बोलेंगे उनको हम रोक नहीं सकते, तो ये थोड़ा सा इनका दृष्टिकोण बदलने से अच्छा होता है, जैसे बोलते हैं नजरिया बदल नजारा बदल जाता है, उसी प्रकार से अगर ये कुछ थोड़ा सा बातों को अनदेखा कर थोड़ा सा समझ के चलेंगे दुनियादारी में तो आगे बढ़ेंगे। और एक दूसरा इनको संदेश देना चाहूँगा, अमावस्या पूर्णिमा के करीब इन्होंने पानी को अवॉइड करना, जैसे पानी में तैरना नाव में जाना अवॉइड करना चाहिए, इनके लिए अच्छा रहेगा। और हो सके तो इन्होंने क्या करना चाहिए, मीठा दही चावल बनाकर शनिवार के दिन मीठा दही चावल बनाना है, उसमें उड़द का दाल का छौंक देकर अगर शनिवार के दिन इन्हें भैंसों को खिलाया, भैंसा या भैंस दोनों में से किसी को भी खिलाया, तो इनके जो 50 कष्ट जो इनको पीड़ रहे हैं काम काज के लिए वो बहुत दूर होंगे इनके। हाँ जी बिल्कुल, अगला सवाल जो है नागपुर से है, इनका नाम है पीयूष दीपक मंडाले, इनकी जन्म तारीख है 6/4/2000, और इनका सवाल यह है कि मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे जानना था कि मुझे आगे नौकरी लगेगी। 6/4/2004 क्या, अच्छा, 4 बजे का इनका जन्म है सुबह का, और ये विद्यार्थी है, और जन्म स्थान नागपुर,
और इनका सवाल ये है कि मैं विद्यार्थी हूँ और मुझे जानना था कि मुझे आगे नौकरी कब तक लगने की योग है। सवेरे का 4 बजे ना? हाँ। देखिए ऐसा, पढ़ाई में तो काफ़ी अच्छे हैं ये, इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है, पढ़ाई वगैरह अच्छा हो जाता है इनका, मेहनती भी है ये। और देखो जो इनका प्रश्न है, जैसा ये पूछ रहे हैं कि नौकरी वगैरह कब लगेगा, देखो इनको नौकरी वगैरह थोड़ा सा ये साल मुश्किल है लगना। अगले साल अगर ये बराबर इनका पढ़ाई वगैरह हो गया, कैंडिडेट फिट हैं, ये इंटरव्यूज वगैरह पास करते हैं, तो इनको अगले साल बहुत अच्छा नौकरी मिलेगा। लेकिन अगले साल ये साल थोड़ा सा आप थोड़ा पेशेंस रखो। एक बात इनके बारे में कहना चाहूँगा, ये बहुत आगे बढ़ेंगे जीवन में, बहुत अच्छा करेंगे, और इनके लिए कैसा मैनेजमेंट संबंधित, एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधित या इलेक्ट्रिकल इकोनॉमिक संबंधित और कंप्यूटर संबंधित जो काम है इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत इनके लिए ब्राइट करियर है इनको आगे चल के। बशर्ते थोड़ा सा इन्होंने तेज़ दिमाग नहीं रखना है, बहुत यानी बहुत गर्म दिमाग नहीं रखना है और जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं वो नहीं होना चाहिए। बाकी ही इज़ गॉट ए वेरी गुड ब्राइट फ्यूचर, फ्यूचर बहुत अच्छा है इनका। मंगलवार का अगर व्रत करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, गाड़ी सोच समझ के चलाना चाहिए। बाकी पढ़ाई नौकरी वगैरह क्या है, 2023 में इनको लग जाएगा। बिल्कुल। अगला सवाल जो है कल्पना प्रवीण शरणागत इनका है, ये परसवाड़ा गोंदिया से है और इनकी जन्म तारीख जो है 19/9/1985 है। इनकी इनका सवाल ये है कि इन्हें गर्दन की समस्या बनी रहती है, इनको राहत कब तक मिलेगी? 19/9/1985 जन्म समय नहीं दिया है, जन्म का स्थान है परसवाड़ा गोंदिया। इनका सवाल है कि इन्हें गर्दन की समस्या है, कब तक इन्हें राहत मिलेगी? देखिए थोड़ा इनके लिए कैसा है मैडम, ये साल जो है ना, ये साल थोड़ा अच्छा नहीं है, यानी जैसा गुरु का गोचर इनके लिए अच्छा नहीं है। 2023 अप्रैल तक का इन्होंने अपने तबियत पे बहुत ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा गर्दन संबंधित जो भी सर्वाइकल का जो भी प्रॉब्लम है उस पर थोड़ा ध्यान देना इन्होंने, और हो सके तो सूरज को जल चढ़ाना अच्छा है इनके लिए। और अगर समझो कुछ ऐसा कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं इनको, इन्होंने क्या करना चाहिए, गाय को रोटी बनाकर मीठा रोटी बनाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा उड़द दाल, थोड़ा सा पका हुआ चावल रखकर, एक गुड़ की डली रखकर गाय को इन्होंने हर मंगलवार को और शनिवार को देना चाहिए, जिसकी वजह से इनका जो हड्डी का जो सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम है वो उनको गर्दन का जो प्रॉब्लम उसमें आराम पड़ेगा। और स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए अगर हो सकता है तो भगवान शंकर के मंदिर जाएं, हर सोमवार को जल चढ़ाकर बेलपत्री अर्पित कर कर आएंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं इनको रतन वगैरह नहीं बता सकता क्योंकि इनके इन्होंने सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ दिया, इन्होंने अपना टाइम नहीं दिया, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं दिया, तो उसकी वजह से रतन इनके लिए उतना श्रेयस्कर नहीं रहेगा बताना, क्योंकि केतु चंद्र का योग है पत्रिका में, जिसकी वजह से इनको बिना सोचे समझे कोई भी रतन पहनना अच्छा नहीं रहेगा। तो कुल मिला के इनके लिए भविष्य ये रहेगा, ये साल थोड़ा सा ध्यान दें, अगले साल अप्रैल के बाद इनको बहुत अच्छा तबियत का सुधार होगा, तब तक का थोड़ा सा बराबर डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले, थोड़ा सा योगा प्राणायाम करेंगे तो इनको बहुत फायदा रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगला सवाल, अगला अपन हम अभी पत्रिका ले लेते हैं ग्रह के लिए धनुराशि से। देखिए अगला है अपना धनुराशि, धनुराशि का स्वामी है गुरु, जैसा गुरु बोलते हैं तो अपना पुखराज उनके लिए फायदेमंद है, तो दूसरा इनके लिए मूंगा अच्छा है, तीसरा माणिक अच्छा है इनके लिए, ओपल नाम का जो पत्थर आता है मोती इन्होंने अवॉइड करना चाहिए, ओपल नाम का पत्थर अवॉइड करना चाहिए, ये राशिगत है, हो सकता है कि लगन से इनको फेवरेबल होता है लेकिन राशिगत इन्होंने सोच समझ के पहनना चाहिए, अगर बहुत अनिवार्य है तो ही ओपल और मोती नाम का पत्थर पहनना चाहिए, बाकी मूंगा माणिक और पुखराज पहन सकते हैं, इनके लिए अच्छा रहेगा। इन्होंने क्या करना चाहिए अपने करियर के लिए, अपने स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए, धनुराशि वालों ने अपने तबियत को ठीक करने के लिए शुक्रवार के दिन हो सके तो कोई भी माता के मंदिर में दर्शन करना चाहिए, उससे इनके सारे कष्ट कम होते हैं, और गुरुवार के दिन कोई भी गुरु के मंदिर जाके सिर्फ माता टेक कर आए, पीले रंग के फूल चढ़ा, इनके सारे कार्य सिद्ध होंगे। हाँ जी, अगला है अपना मकर राशि। देखिए मकर राशि के अंदर उच्च का ग्रह है मंगल, नीच का ग्रह है गुरु, और मकर राशि का कैसा है, एक अच्छा आदत उनका ये रहता है, एक बार उन्होंने काम चालू किया तो उसका अंत अंजाम तक का लेके जाते हैं, यानी टॉप पे पहुंचना इनका ज्ञान रहता है, इनका एक वर्चस्व रहता है। और मकर राशि वाले थोड़े से हटी होते हैं, अच्छे होते स्वभाव से लेकिन हटी होते हैं, वो हटी होना इसीलिए क्योंकि मंगल उच्च का है। देखिए इनके लिए कैसा है, थोड़ा सा इन्होंने चॉइस करना चाहिए जीवन में, क्योंकि स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं, जिन्होंने जो बोला वो काम इनको मदद करके दे, इनको रिटर्न्स नहीं मिलते उस बात का, उस चीज़ का, तो इनको बुरा लगता है। ठीक है, और इनके लिए पत्रिका में मूंगा अच्छा है पहनना,
पुखराज बहुत सोच समझ के पहनना है, मोती पहन सकते हैं, बाकी ओपल और पन्ना कभी भी पहन सकते हैं, मकर राशि वाले इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इवन जो सूरज का जो खड़ा होता है माणिक, उसको भी बहुत समझ के पहनना है मकर राशि वालों ने। देखिए अगला है अपना कुंभ राशि। कुंभ राशि में कैसा, कोई भी ग्रह उच्च का भी नहीं है, कोई भी ग्रह नीच का भी नहीं है, और कुंभ राशि में अपना शनि का मूल त्रिकोण राशि है वो, और शनिदेव का बहुत प्रारब्ध है उसके अंदर, प्रारब्ध है उसके अंदर शनि है कुंभ राशि के अंदर, और कुंभ राशि वालों के लिए मोती अच्छा नहीं है, और उनके लिए माणिक भी बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। बाकी कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा उन्होंने अपने करियर में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वगैरह हनुमान जी का सेवा हो गया, हनुमान चालीसा पढ़ना हो गया, हर मंगलवार को शनिवार को अच्छा रहेगा। और कुंभ राशि और मकर राशि को मैं एक ही बोलना चाहूँगा हालांकि कि इनका स्वामी ग्रह शनि है, तो शनिदेव का उपासना पूजा इन्होंने करना ही चाहिए। जितना ये शनिदेव का पूजा करेंगे उतना इनको उन्नति मिलेगा। अभी तो कैसा कुंभ राशि वालों के लिए राशि में ही गोचर कर रहे हैं शनिदेव, तो उन्होंने शनिदेव का जहाँ खास करके पूजा करना और शनिदेव के मंदिर में जाकर तिल के तेल का अर्पित करना और सरसों का तेल का दिया जलाना, और हो सके तो सर पे तेल नहीं लगाएं, नाखून नहीं काटे, दाढ़ी वगैरह नहीं बनाए शनिवार के दिन, इतना ध्यान रखने से इनको इम्प्रूवमेंट अवश्य मिलेगा। अच्छा प्रश्न है अगला सवाल जो हमारा नागपुर से है, नैतिक किरणोद पटले, इनका इनका जन्म का समय सुबह 8:55 है और जन्म तारीख इनकी 8/12/2016 है। इनका सवाल यह है कि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन जो भी पढ़ते हैं वो याद में नहीं रहता। अच्छा समय क्या बोला मैडम? समय है 8:55 सुबह, 8:55 सवेरे का ना? हाँ, नागपुर जन्म स्थान है। हाँ जी। और जन्म तारीख 8/12/2016। अच्छा, यानी पढ़ाई करते इनको ध्यान नहीं रहता है, जो भी पढ़ा है वो ध्यान नहीं रहता है। 2016 का ना जन्म? हाँ। अभी बच्चा ये पढ़ रहा है, देखिए ऐसा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कैसा अभी फिलहाल के लिए ये बच्चे का कैसा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है और बच्चे को 7:30 चालू हुआ है और अभी छोटा बच्चा है, उसको थोड़ा सा फोकस करने के लिए आपने थोड़ा इसको प्रोत्साहित करना चाहिए और अपने माँ से बहुत अटैच रही है और माँ वो चाहता है कि माँ हमेशा उसके साथ रहे, माँ उसको प्रेरित करे। अगर इनकी माँ, इनकी जो माताजी है, ये बच्चे की माँ जो है, अगर इनको पढ़ाई कराएंगे ज़्यादा, इस पे बच्चे पे अटेंशन देंगे, बहुत ध्यान देंगे, तो ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा। और रही बात दशा का कैसा, अभी बच्चे को कैसा शनि का दशा वगैरह चालू हुआ है, तो शनि का दशा के चलते बच्चे में थोड़ा आलस ज़्यादा होना, बेकार के जो चीज़ें हैं काम, वो चीज़ें में ध्यान देना, पढ़ाई करेगा, करने बैठ दूसरा कुछ पड़ेगा बैठ के या दूसरा कुछ देखेगा ऐसा करेगा, तो उस चीज़ पे थोड़ा फोकस कराना जरूरी है, खास करके माने। और इनके इस बच्चे के पत्रिका में कैसा, शनि का और सूरज का गोचर साथ में होने से, योग होने से बच्चे का ये शनि का दशा है उतना अच्छा नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया नहीं रहेगा पढ़ाई के लिए। बाकी अगर इस बच्चे पे थोड़ा सा मेहनत किया जाए, माता पिता ने और टीचर ने जरा फोकस किया जाए, ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा आगे चल के। थोड़ा सा आलस है इस बच्चे ने, इस बच्चे के माता पिता ने क्या करना चाहिए, हर सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में मीठा चावल बनाए, थोड़ा सा मीठा बना ले चावल, उसमें गुड़ डाल के या शक्कर डाल के जो भी है, मीठा चावल बना के उस मीठे चावल का अगर भोग चढ़ाते भगवान शंकर के मंदिर में हर सोमवार को, और उसमें उस चावल को प्रसाद के तौर पे लोगों में बांट देते, भक्तों में बांट देते हैं, तो इस बच्चे को बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन अभी बच्चा छोटा है तो ज़्यादा इसको रतन तो नहीं पिना सकते, लेकिन अगर कुछ पिनाना है बच्चे को अच्छा पढ़ाई के लिए वगैरह, छोटा सा 1-3 कैरेट का मूंगा पिना सकते हैं छोटा सा गले में, तो इससे बच्चे को पढ़ाई के अंदर, कामकाज के अंदर जो भी फोकस करेगा बच्चा, उसके अंदर बहुत उसको यश कीर्ति मिलने का योग बनता है। बिल्कुल। अगला है अपना मीन राशि, आखिरी वाला, तो मीन राशि ले लेते हैं। मीन राशि वाले को देखिए, जैसा मीन राशि है, इसका जो मीन राशि के अंदर ग्रह स्वामी हैं गुरु, उसके उच्च के ग्रह हैं मीन राशि के अंदर शुक्र, और नीच के ग्रह बनते हैं मीन राशि के अंदर बुध। तो मीन राशि वाले कैसा, अपना मोती पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं, मूंगा अच्छा है, ओपल नाम का पत्थर इन्होंने मीन राशि वालों ने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उच्च का शुक्र लगन में राशि में बैठे हैं, तो ओपल नाम का पत्थर पहनने से, शुक्र का जो पत्थर होता है डायमंड और ओपल पहनने से, इनको उस चीज़ का हानि हो सकता है, मार चोट लगने का योग बन सकता है। बाकी मोती मूंगा और पुखरा जी अवश्य पहन सकते हैं, बशर्ते अगर पत्रिका में मंगल का और गुरु का जो पोजीशन अगर नीच स्थान में, गुरु मकर राशि में हो गया या
मंगल कर्क राशि में हो तो इन्होंने मूंग और पुखराज अवॉइड करना चाहिए, बाकी मोती तो कभी भी पहन सकते हैं, इनके लिए अच्छा है। एक सवाल हमारे पास आया है, ये है मानेगांव बालाघाट से है, किरनोज सुखचंद पटले इनका, इनकी जन्म की तारीख जो है 26/11/1998 है, जन्म का समय इन्होंने नहीं दिया है। इनका सवाल यह है कि काम को लेकर ये परेशान रहते हैं, अच्छा। जिस वजह से इनका मन विचलित होता है, आगे स्थिति कैसी होगी? अच्छा, 1900 क्या बोले? 1998 है, 26/11/1998, जन्म का स्थान इनका मानेगांव बालाघाट है, और इन्हें ये काम को लेकर परेशान है जिससे इनका मन विचलित है। देखिए अभी कैसा, इनको पिछले 5 साल से इनको साढ़े साथी चालू है, तो जिसके वजह से साढ़े साथी का विपरीत प्रभाव होता है कि साढ़े साथी जिसको चालू होता ना, वो बंदा है, उस बंदे को काम काज को लेके, परिवार को लेके, पैसे पाने को लेके बहुत दिक्कत होता है, और साढ़े साथी के चलते ये जो सज्जन है बहुत परेशान भी हैं, क्योंकि इनके पत्रिका में शनि स्वयं नीच के बैठे हैं, और शनि की दृष्टि नीच का, शनि का दृष्टि चंद्र के बैठे, चंद्र के जो मन से बहुत खिन्न रहते हैं। रही बात इनके प्रश्न जो पूछे हैं कि इनका कामकाज बहुत टूटा फूटा रहता है, बराबर चलता नहीं है, पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाता है, तो इसके लिए क्या करना है, इन्होंने हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाना चालू करें, शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ चालू करें रोज, और हो सके तो इन्होंने क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आटा और शक्कर, थोड़ा सा आटा और शक्कर ले ले, शनिवार के दिन से चालू करना ये, थोड़ा सा आटा, घेहूँ का आटा रहता है, शक्कर रहता है, वो ले ले, इतना है एक एक दो चम्मच, जहाँ पे भी चींटियाँ रहते हैं उधर उनको डालना है, शनिवार से चलो शुरू करना है, चालू करना है, रोज डालना है, तो इससे इनका जो कामकाज में जो परेशानी है, जो दिक्कत आ रहा है वो दूर होता है। और शनिवार के दिन इन्होंने भी शेविंग नहीं करना चाहिए, हेयर कटिंग नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, और सर पे तेल भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, और हो सके तो अगर इनके माता इनके साथ रहते हैं तो रोज जब भी काम को जाते हैं इनके माता के चरण छू के निकले तो इनका इनके काम में इनको अवश्य बरकत मिलेगा। बिल्कुल, आज हमने दर्शकों के सवालों के जवाब जाने और राशियों के बारे में भी हमने जाना है। आज के इस भविष्य दर्शन कार्यक्रम में वक्त हो चला है यही रुकने का। अगर आपकी कोई समस्या है, आपको राशिफल संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो, तो आप BCN न्यूज़ के भविष्य दर्शन कार्यक्रम से जुड़े रहे और अपने समस्या का समाधान पाए। नमस्कार। नमस्कार। बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज़ चैनल पर।